नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सर्कल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिया यानी वर्ब के बारे में, और ये मेरा 7वां वीडियो होगा चैप्टर्स का हिंदी का। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं आप सभी वीडियो देखिए, और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हिंदी पूछी जाएगी, तो उन सभी में ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो आपके लिए अच्छे नंबर आपको दिला सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और देखिए 50-50 क्वेश्चंस की जो एमसीक्यू है वो मैं डालता रहूँगा। तो आपको साथ साथ उसके साथ साथ मैं आपको चैप्टर भी पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको बेसिक जानकारी भी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप जब आपके पास क्वेश्चन एमसीक्यू आपके सामने आए तो आप उस क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा 7वां वीडियो, आज हम क्रिया के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल बटन आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहला अब क्रिया से स्टार्ट करते हैं। क्रिया किसको बोलते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसको क्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे कि पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। ठीक है, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिससे कि हमको प्रतीत हो रहा है कि कोई ना कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो जो ऐसे शब्द जिससे क्रिया का होना या पाना, होना या करना पाया जाए, तो उसको हम क्रिया कहेंगे। क्रिया का अर्थ होता करना। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके उदाहरण कुछ, जैसे कि अली पुस्तक पढ़ रहा है, बाहर बारिश हो रही है, बाजार में बम फटा, बच्चा पलंग से गिर गया। ठीक है, तो इन सभी जितने सारे ये वाक्य दिए गए, इससे कोई ना कोई क्रिया आपको होना या पाना, आपको लग रहा होगा कि क्रिया, कोई ना कोई क्रिया हो रही। ठीक है, तो जिन शब्दों से क्रिया का होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के मूल रूप भी होते हैं, जिसको जिसमें प्रत्यय लगा के हम जो है उसको सामान्य रूप बनाते हैं। ठीक है, क्रिया का मूल रूप जो होता है धातु कहलाता है, याद रखना आप सभी को। इनके साथ कुछ क्रिया के समान रूप बनते हैं, जैसे कि धातु रूप ये हमारे हो गए, जैसे बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख आदि, ये हमारे मूल रूप हो गए, इनको धातु कहेंगे। इसमें हम ना प्रत्यय, कुछ प्रत्यय लगा के इसको हम समान रूप बनाएं, जैसे कि बोल को बोलना कर देंगे, पढ़ को पढ़ना, घूमना को घूम को घूमना, लिख को लिखना, गा को गाना। ठीक है, तो इसमें सभी प्रत्यय कौन सा ना प्रत्यय जुड़ा है, तो कुछ प्रत्यय जोड़कर जब हम उसको बनाते हैं समान रूप कहलाता है। ठीक है, मूल रूप क्रिया का धातु कहलाता है, ये आपको याद रखना है। अब क्रिया के भेद देखते हैं, क्रिया के भेद रचना के आधार पर क्रिया के भेद चार होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि क्रिया के भेद रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, जितने भी एमसीक्यू भी आते हैं सब यहीं से, बेसिक क्वेश्चन से जो आपको जानकारी पढ़ाई जाएगी उसी सभी से मिलेंगे। ठीक है, तो रचना के आधार पर अगर पूछा जाए तो रचना के आधार पर चार क्रिया के भेद होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली कौन कौन से होते हैं, तो उनको देखते हैं। पहला होता है संयुक्त क्रिया, दूसरा होता है नाम धातु क्रिया, तीसरा होता है प्रणाथक क्रिया, और चौथा होता है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया के बारे में देखेंगे, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। ठीक है, तो इन सारे शब्दों में उपयुक्त वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हैं, जैसे कि लौट आया, रोने लगा, पहुंच गया। ठीक है, तो ये सब क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण कर रही है। ठीक है, वेता ये संयुक्त क्रियाएं। ठीक है, तो इसका कहने का अर्थ ये कि जब जितने भी सारी क्रियाएं हैं सब क्रियाएं मिलकर अगर एक ही कार्य को पूर्ण कर रही हैं तो सारी वो संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि लौट आया थे, लौटने में और आने में, ठीक है, दोनों मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करके हैं, जैसे कि लौट आया। ठीक है, रोने लगा पहुंच गया। ठीक है, तो ये सारी दोनों, इसमें दो क्रियाएं हैं, दोनों मिलकर एक ही कार्य को कर रही हैं। ठीक है, जिन वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, पहली जो होती है वो मुख्य क्रिया होती है, दूसरी जो होती है रंजक क्रिया होती है। अब जैसे देखते हैं, रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ में विशेषता लाती है, जैसे माताजी बाजार से आ गई है। ठीक है, तो आ जो है मुख्य क्रिया है, गई जो है हमारी रंजक क्रिया है, दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया आना का अर्थ दर्शा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है मुख्य क्रिया हमारी आ है और रंजक क्रिया गई है। ठीक है, दोनों क्रियाएं मिलकर हमारी क्या दर्शा रही हैं कि वो माताजी बाजार से लौट आई, यानी घर आ गई हैं, तो आना क्रिया जो है अर्थ इसका हो रहा है।
तो ये संयुक्त क्रिया होंगे। संयुक्त क्रिया के भी 11 भेद होते हैं, सिर्फ तुमको याद रखना है, ठीक है। इसका अब देखते हैं सेकंड नाम धातु क्रिया। पहले तो संयुक्त क्रिया हो गई, रचना के आधार पर चार क्रियाएं होती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रणातक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। ये चार क्रियाएं हो गई हैं। अब दूसरी होगी नाम धातु क्रिया। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ, ठीक है। कभी कभी ये डायरेक्ट पैराग्राफ भी पूछता है, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ दे देगा, पूछा जाएगा आपसे संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में करोगे मारेंगे। जैसे लुटेरों ने जमीन हथिया ली, ठीक है, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। उपरोक्त वाक्यों में हथियाना तथा अपनाना क्रियाएं हैं, और ये संज्ञाएं किसके, हाथ एक संज्ञा है तथा अपना सर्वनाम है, ठीक है। तो इससे मिलकर ये जो क्रियाएं बनी हैं उसको नाम धातु क्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे हाथ होता है, ये संज्ञा है, अपना है, सर्वनाम है, तो इनके साथ में जो क्रियाएं मिल जाती हैं, जैसे हाथ से हथियाना बनाएगी इसमें, और अपना से अपनापन अपनाना बनाएगी, तो ये नाम धातु क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जो क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया बनाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरणवाची शब्दों से मिलकर जो क्रियाएं होती हैं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। तो नाम धातु क्रियाएं कुछ इस प्रकार दी गई हैं, ठीक है। आप देखिए टेबल मैंने यहाँ पर दे रखी है, ये टेबल है। संज्ञा से नाम धातु क्रिया कैसे बनेगी, जैसे सर्म है संज्ञा हमारी, इसको बनाएंगे ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो इसमें शर्माना हो जाएगी, लोभ से लुवाना हो जाएगी, बात से बतियाना हो जाएगी, झूठ से जुटलाना हो जाएगी, लात से लतियाना हो जाएगी, दुख से दुखाना हो जाएगी, ठीक है। तो सम में ना प्रत्यय जोड़ा गया, ठीक है, नाम धातु क्रिया बनाने के लिए, ठीक है। अब सर्वनाम से नाम धातु क्रिया अपना से अपनाना हो जाएगी, ठीक है, ये सर्वनाम से बनी गई। विशेषण से नाम धातु क्रिया कैसे बनती है, ठीक है। विशेषण शब्द क्या होते हैं, पहली बात तो एक जानिए, विशेषण शब्द जो होते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बदलाते हैं वो हमारे विशेषण शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जब विशेषण वाले चैप्टर पहुंचेंगे तो आपको विशेषण के बारे में डीपली से बताएंगे। तो विशेषण हो गया 60, इसका नाम धातु क्रिया बनाएंगे सठियाना। सम में जो है ना प्रत्यय लगाया गया है, तोतला से तुतलाना, नरम से नरमाना, गर्म से गर्माना, लज्जा से लजाना, लालच से ललचाना और फिल्म से फिल्माना, ठीक है, ये सारे नाम धातु क्रियाएं बनाएंगे, ठीक है। अब अनुकरणवाची शब्द क्या होते हैं वो देखिए, जैसे थप थप, ठीक है, इससे थपथपाना हो जाएगी, थर थर से थरथराना, कप कप से कपकपाना, टन टन से टनटनाना, बड़बड़ से बड़बड़ाना, खटखट से खड़खड़ाना और घर घर से घरघराना, ठीक है। तो ये सारे अनुकरणवाची शब्द हैं, थप थप, थर थर, काँप कप, इनसे जो है इसमें ना प्रत्यय जब जोड़ दिया जाएगा तो इसे नाम धातु क्रिया बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है, प्रणातक क्रिया। प्रणातक क्रिया में क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। प्राणतक क्रिया तीसरा है हमारी, प्राणतक क्रिया जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता जो है कार्य जो है स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम प्राणतक क्रिया कहते हैं। जैसे काटना से कटवाना, करना से कराना, ठीक है, यानी कि सीधा सा अर्थ है, अगर उसमें आपको ये सब किसी वाक्य में अगर आपको ये प्रतीत हो रहा है कि कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो वहाँ पर प्राणतक क्रिया होगा। जैसे उदाहरण, एक मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, ठीक, तो यहाँ से जायज़ बात है, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा हो कि मालिक स्वयं कार साफ को ना करके नौकर से कार जो साफ करवा रहा है तो वहाँ पे प्राणातक क्रिया होगी। अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है, अध्यापिका खुद ना पाठ पढ़ के छात्र से पाठ पढ़वाती तो वहाँ पे प्राणातक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपको प्राणातक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्राणातक क्रिया कर्ता प्रेरणा देने वाला जैसे मालिक और अध्यापिका, ठीक है, इसमें दो कर्ता होंगे, प्रणातक कर्ता प्रेरित होने वाला था जिससे प्रेरणा दी जा रही, जैसे नौकर छात्र, ठीक है, दो कर्ता होंगे, ठीक है। प्राणातक क्रिया के रूप आप देख लेते हैं, प्राणातक क्रिया के दो रूप होते हैं, प्रथम प्राणातक क्रिया और द्वितीय प्राणातक क्रिया, ठीक है। प्रथम प्राणातक क्रिया के बारे में देखते हैं, कुछ उदाहरण पर देखते हैं। जैसे माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, रानी अनिमेश को खाना खिलाती है, नौकरानी बच्चों को झूला झुलाती है, ठीक है। तो इन वाक्यों में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, अतः प्रथम प्राणातक क्रिया है, ठीक है, यानी कि कर्ता स्वयं जो है प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, ठीक है।
यानी प्रेरणा क्या दे रहा है, माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, तो यानी माँ जो है पूरे परिवार के लिए भोजन बनाती है, तो ये खुद प्रेरणा दे रही है अपने आप को, कर्ता जो है स्वयं प्रेरक बन के प्रेरणा दे रहा है, ठीक है, ये ठीक है। इसमें प्रथम प्रेरणा तक क्रिया पूछिए, अगर आपको ये पूछा जाए तो ठीक है, अगर प्रथम द्वितीय प्रेरणा तक क्रिया पूछिए तो आप इस तरीके से बताएंगे, नहीं तो प्रेरणा तक क्रिया आपको स्वयं समझ में आ जाएगी। अब सभी प्रेरणा तक क्रियाएँ सकर्मक होती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अभी आगे सकर्मक अकर्मक के बारे में बात होगी, ठीक है। द्वितीय प्राणार्थक क्रिया कौन सी होती है, माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, जोकर सर्कस में हाथी से कर्तव्य करवाता है, रानी राधा से अनमेश को खाना खिलवाती है, माँ नौकरानी से बच्चों को झूला झुलवाती, ठीक है। तो ये जो है द्वितीय प्राणार्थक क्रिया होगी, जिसमें कर्ता जो स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो द्वितीय प्राणार्थक क्रिया कहलाती है, ठीक है। स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, ठीक है, तो द्वितीय प्राणार्थक क्रिया होगी, ठीक है। अब प्राणार्थक क्रियाओं के कुछ उदाहरण हमने दे रखे हैं, यहाँ पे टेबल दे रखी है, जैसे मूल क्रिया प्रथम प्राणतः क्रिया, द्वितीय प्राणतः क्रिया, ठीक है। मूल क्रिया तुम्हारी ये होगी, जैसे उठना हमारी मूल क्रिया होगी, ठीक है। तो अगर प्रथम प्राणतः क्रिया इसको बनाना है तो उठाना हो जाएगी, और द्वितीय प्राणतः क्रिया हो जाएगी तो यानी उठवाना हो जाएगी, ठीक है। मूल क्रिया उठना, प्रथम प्राणतः यानी स्वयं उठना, द्वितीय प्राणतः क्रिया यानी उठवाना, किसी दूसरे से उठवाना, ठीक है। उड़ना उड़ाना उड़वाना, ठीक है। चलना चलाना चलवाना, देना देना दिलाना और दिलवाना, जीना जिलाना और जिलवाना, ठीक है। तो ये सारे टेबल दे रखी है, अब टेबल देख लीजिएगा, काफ़ी लंबी टेबल है, पूरे टेबल नहीं पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए तो ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। जिस वाक्य में अगर मुख्य क्रिया जैसे कोई होने वाली है उससे अगर पहले कोई पूर्व कोई क्रिया हो जाए तो उसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे दूसरे शब्दों में जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी कर्ता दो क्रियाएं कर रहा है, एक क्रिया समाप्त होने का दूसरी क्रिया तुरंत कर रहा है, तो पहली वाली जो क्रिया होगी हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, ठीक है, राखी ने घर पहुंचकर फोन किया, दो उदाहरण हमारे दिए गए, पुजारी ने नहाकर पूजा की, राखी ने घर पहुंचकर फोन किया, ठीक है। तो पुजारी ने पहले तो नहाया उसके बाद तुरंत पूजा की, ठीक। तो यानी जो नहाया जो है उसने हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो गई, और दूसरे उदाहरण में राखी ने घर पहुंचकर फोन किया, ठीक है, तो पहले वो घर पहुंची उसके बाद उसने फोन किया, ठीक है, तो घर पहुंचकर जो है पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ठीक है। तो नहाकर और पहुंचकर ये हमारी दो क्रियाएं हैं जो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएंगी, ठीक है। पूर्वकालिक का शाब्दिक अर्थ होता है पहले समय में हुई, जो क्रिया हमारी पहले हुई इसको पूर्वकालिक कहेंगे, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया का मूल रूप मूल धातु में कर अथवा करके लगाकर बनाई जाती है, ठीक है। यानी मूल धातु जो भी हमारी होगी उसमें कर लगा देंगे और करके लगा देंगे तो हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे चोर सामान चुरा कर भाग गया, ठीक है, तो व्यक्ति ने भागकर गाड़ी बस पकड़ी, छात्र ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, मैंने घर पहुंचकर चैन की सांस ली, ठीक है। तो इन सारे इसमें जैसे कर जोड़ा गया है, इसमें कर जोड़ा गया है, इसमें कर जोड़ा गया है, इसमें कर जोड़ेगा, ठीक है। तो अगर मूल धातु इसमें कर जोड़ के अथवा करके दो शब्द जोड़े जाएं तो उसमें वो पूर्वकालिक क्रिया बन जाएगी, ठीक है। अब कर्म के आधार पर हमारे क्रिया के भेद कितने होते हैं वो हमको देखने हैं। देखो रचना के आधार पर तो आपको पता है, रचना का आधार पूछा जाए तो चार हो जाएंगे। सबसे पहले संयुक्त क्रिया, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा नामधातु क्रिया, प्राणार्थक क्रिया, ठीक है, चार क्रिया हो जाएंगी। अगर आपको कर्म के आधार पर पूछा जाए तो दो होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो आपको दोनों टाइप याद रखने हैं, दोनों के टाइप याद रखने हैं, किस में कितनी होती हैं वो भी याद रखना, ठीक है। सकर्मक क्रिया का ये तुम्हारे हो जाएंगे कर्म के आधार पर, सकर्मक और अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती हैं। अब सकर्मक क्रिया के बारे में बात करेंगे, सकर्मक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया में व्यापार का फल, ठीक है, कर्ता पे ना पड़ के किसी अन्य पर पड़े, ठीक है। यानी कि अगर कोई वाक्य लिखा है जिसमें क्रिया का फल जो है वो कर्ता पे ना पड़ के किसी अन्य पे पड़े तो उसमें सकर्मक क्रिया होती है। सीधे शब्दों से समझिए, जिस वाक्य के में क्रिया के साथ कर्म ही होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, अगर कर्म है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो, जिसके साथ कर्म की संभावना हो, ठीक है। दूसरे शब्दों में सीधा सीधा समझिए आप, जो मैंने आपको बताया, वाक्य में क्रिया होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, ठीक है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिस क्रिया का फल जो है कर्म पे पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, कर्ता पे ना पड़े, ठीक है।
तो देखते हैं, अध्यापिका पुस्तक पढ़ रही है, माली ने पानी से पौधों को सींचा। ठीक है, ये दो उदाहरण पहले लेते हैं, तो इसमें सीधे समझते हैं। पहले उपरोक्त वाक्यों में पुस्तक और पानी पौधे शब्द का कर्म, ठीक है, पौधे शब्द का कर्म है। ठीक है, क्योंकि कर्ता अध्यापिका तथा माली, इसमें इसमें कर्ता अध्यापिका है, इसमें माली जो है कर्ता है। ठीक है, अब पढ़ने का असर सीधा किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे, और सींचने का असर किस पे पड़ रहा है, पानी पे। ठीक है, पौधों पर। ठीक है, सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है। ठीक है, क्रिया के साथ, अगर हम क्रिया के साथ क्या किसे किसको लगाकर प्रश्न करें, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन, अगर हम वाक्य में पूछें, क्वेश्चन करें उससे, क्या किसे किसको लगाकर, ठीक है, प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि उपयुक्त वाक्यों में अगर हम पूछें, क्वेश्चन लगा के पूछें कि क्या पढ़ रही है, क्या सींच रही, ठीक है, या किसको सींच रही, ठीक है, तो सबसे पहले वाले वाक्य में हमको उत्तर मिल जाएगा, पुस्तक पढ़ रही है। दूसरे वाक्य वाक्य में अगर हम पूछेंगे कि किसको सींच रही, ठीक है, तो पौधों को। ठीक है, अगर इनसे उचित उत्तर हमको मिल जाए तो सकर्मक क्रिया हो जाएंगे। ठीक है, सीधा सीधा सा अर्थ है, अगर क्रिया का जो है हमारा प्रभाव जो है कर्म पर पड़े तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, कर्ता पे ना पड़े। ठीक है, सीधा सा आपको याद रखना, कर्ता पे ना पड़े। ठीक है, कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है, जैसे वह गाता है, वह पढ़ता है, यहाँ गीत और पुस्तक जैसे कर्म छिपे हैं। ठीक है, ये उदाहरण दो दिए गए हैं, वह गाता है, ठीक है, इसमें गाने में क्या गीत और पढ़ने में क्या पुस्तक जो है कर्म जो छुपे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, सबसे पहले याद रखना है, कर्म के आधार पर दो क्रियाएं होती हैं, सकर्मक और कर्मक, इनके सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक द्विकर्मक। ठीक है, जिसमें एक कर्म हो उसे एक कर्म वाली कहेंगे, जिसमें दो कर्म हो उसे दो कर्मक कहेंगे। ठीक है, तो पहले एक कर्म वाली देखते हैं, जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे श्याम फिल्म देख रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है, ठीक है, दोनों एक ही एक कार्य कर रही हैं। ठीक है, एक ही एक कर्म कर रही है, श्याम जो फिल्म देखने का कार्य कर रहा है, नौकरानी जो झाड़ू लगाने का काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कर्म है, तो इसलिए एक कर्मी क्रिया। ठीक है, अब दो कर्मी क्रिया क्या कहलाएगी, यानी दो कामों से युक्त हो। ठीक है, जिस वाक्य में दो काम हो रहे हों वो दो कर्मी क्रिया कहलाएंगे। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो कर्म होते हैं, ठीक है, एक साथ दो काम हो रहे हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं। एक साथ दो कर्म हो रहे हैं, ठीक है, जैसे श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है, ठीक है, नौकरानी फिनाइल से पोछा लगा रही, ठीक है, तो पहले वाक्य में श्याम जो है खुद अकेले नहीं फिल्म देख रहा है, अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है, यानी दो कर्म जो है एक साथ कार्य कर रहे हैं। श्याम जो दूसरे वाक्य में नौकरानी फिल्म फिनाइल से पोछा लगा रही है, ठीक है, नौकरानी खाली पोछा नहीं लगा रही है, वो फिनाइल से पोछा लगा रही है, तो इसमें दो कर्म हो रहा है। ठीक है, इन वाक्यों में, इन उदाहरणों में क्या किसके साथ किससे प्रश्नों से उत्तर मिल रहे हैं, जैसे कि पहले वाक्य में अगर हम प्रश्न करें, जैसे मैं पहले वाक्य में श्याम किसके साथ क्या देख रहा है, ठीक है, तो पहले वाक्य में अगर हम पूछें श्याम किसके साथ क्या देख रहा है, तो श्याम जो है अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है। ठीक है, तो दो कर्म यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, ये दो कर्म क्रिया हो जाएगी। दूसरे वाक्य में अगर हम पूछें प्रश्न करके कि नौकरानी किससे और क्या लगा रही है, तो नौकरानी फिनाइल से पोछा लगा रही है, यानी दो कर्म हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो दो कर्म क्रिया हो जाएंगी। दो कर्म क्रिया में एक कर्म मुख्य होता है, दूसरा कर्म गौण होता है, यानी दूसरे पर आश्रित होता है। ठीक है, मुख्य क्रिया मुख्य कर्म क्रिया से पहले तथा गौण कर्म के बाद आता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखते हैं, सकर्मक क्रिया खत्म हो गई, हमारी अकर्मक क्रिया देखते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया में जो है क्रिया के व्यापार का फल जो है कर्म के कर्म पर ना पड़कर सीधे कर्ता पे पड़ता है। ठीक है, जो आदमी होता है उस पर व्यापार का फल पड़ता है क्रिया का, तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, ठीक है, ये भी याद रखना है कि कर्म जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा वो तुम्हारा अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जिन क्रियाओं के व्यापार और फल कर्ता पर हो, ठीक है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, अकर्मक क्रिया का कर्म नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है। अब दो उदाहरण लेते हैं, श्याम सोता है, इनमें सोना जो है क्रिया अकर्मक है, क्योंकि सोने का सीधा असर जो है सीधा श्याम पे पड़ रहा है। ठीक है, श्याम सो रहा है, यानी कि सोने का असर सीधा श्याम पे पड़ रहा है, और यहाँ पे कर्म नहीं है। ठीक है, सोने का क्रिया उसी के द्वारा पूरी हो रही है। ठीक है, सोने की क्रिया जो है वो कर्ता के द्वारा पूरी की जा रही है, इसलिए यहाँ पे श्याम जो ये श्याम सोता है, इसमें जो अकर्मक क्रिया होगी।
अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए सोना अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है। ठीक है, तो उपयोग वाक्य में कोई कर्म नहीं है। ठीक है, उड़ने का जो कार्य जो है स्वयं पक्षी कर रहे हैं, यहाँ पे पक्षी हमारा कर्ता होगा, तो उड़ने का कार्य कौन कर रहा है? पक्षी कर रहा है। ठीक है, तो उड़ने का असर भी पक्षी पर पड़ रहा है। दूसरे वाक्य में बच्चा रो रहा है, ठीक है, बच्चा हमारा कर्ता हो गया, और रोने का असर जो है बच्चे पर पड़ रहा है, और रो कौन रहा है? स्वयं बच्चा रो रहा है। ठीक है, तो जिस क्रिया के व्यापार का फल स्वयं कर्ता पे पड़े, उस वहाँ पे हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे कर्म का अभाव है, कर्म नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अकर्मक सकर्मक क्रियाएं। नेक्स्ट है हमारी, कुछ अकर्मक क्रियाएं इस प्रकार भी होती हैं, जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, सोमना, रोना और चमकना है। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे करेंगे वो भी आपको याद रखना है। पहचान करने के लिए हमने आपको बताया, आप अगर वाक्य से प्रश्न करेंगे, जैसे कि क्या, किसे या किसको, ये तीन अगर हम पूछेंगे वाक्य से प्रश्न करके कि क्या, किसे, किसको, अगर इससे हमको उत्तर मिल जाता है तो हमारी सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर ना मिले तो हमको अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, जैसे राम फल खाता है, तो हम यहाँ पर अगर हम पूछे राम क्या खाता है, तो आप आसानी से कह देंगे राम फल खाता है, तो हमको यहाँ पर उत्तर मिल गया, तो ये क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हम पूछें सीमा रोती है, तो हम यहाँ पे पूछे सीमा क्या रोती है, तो हमको आंसर नहीं मिल रहा है सीमा क्या रोती है, क्योंकि रोने का असर ही स्वयं सीमा पर पड़ रहा है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, अब कुछ उदाहरण है, जैसे मारना, पढ़ना, खाना, इन क्रियाओं में क्या, किसे लगाकर प्रश्न किए जाए तो इनके उत्तर इस प्रकार होंगे, जैसे किसे मारा, तो किशोर को मारा, क्या खाया, खाना खाया, क्या पढ़ा, किताब पढ़ता है। ठीक है, तो इन सब उदाहरणों से क्रियाएं सकर्मक हैं। कुछ क्रियाएं सकर्मक, कुछ अकर्मक और सकर्मक दोनों ही होती हैं, और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जा सकता है, जैसे अकर्मक क्रियाएं, सकर्मक क्रियाएं। ठीक है, पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। ठीक है, उसका सिर खुजलाता है तो अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, वह अपना सिर खुजलाता है तो ये सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अकर्मक हो गई। मैं घड़ा भरता हूँ, ये सकर्मक हो गई। दूसरा है तुम्हारा जी ललचाता है, ये अकर्मक क्रिया होगी। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो ये सारी जो हैं हमारी, यहाँ पे हमारे क्रिया के चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैंने अपना पूरा 100% आपको समझाने की कोशिश की है, और आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन भी इसमें मैंने आपको बताया, जैसे क्रिया कितने प्रकार की होती है, रचना के आधार पर कितनी प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, सकर्मक और कर्मक क्रिया के भेद बताएं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो आपको 50 क्वेश्चंस का MCQ मिलेगा, तो दोस्तों उसके लिए भी आप तैयार रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।